हे गाइस, बात करने वाले हैं फालतू शो के बारे में। फालतू शो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी निहारिका चौकसी और उनके अपोजिट नज़र आए थे आकाश आहूजा। निहारिका और आकाश की जोड़ी फर्स्ट टाइम आपको टीवी पर देखने को मिली, ये स्टार प्लस पर देखने को मिला था शो। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी टाइम तक ऑन एयर रहा, मतलब कई साल तो नहीं गुजारे शो ने, लेकिन हाँ कुछ महीनों तक ऑन एयर रहा। और इस बीच शो ने काफ़ी अच्छी टीआरपी भी गेन करी, लेकिन टाइम स्लॉट इसको ठीक से नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से शो की टीआरपी इतनी हाईएस्ट नहीं आ पा रही थी जैसे कि मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा वो चाह रहे थे। इस वजह से शो ऑफर तो गया है, पर सीज़न 2 इस शो का आ सकता है, इसके चांसेस हाईली हैं। हालाँकि आपको बता दें निहारिका चौकसी फिलहाल उनका करंटली प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, करंट प्रोजेक्ट में बिजी हैं, नज़र आ रही हैं दंगल टीवी पर। तो ऐसे में इस शो का ऑफर उनके पास जाता तो वो नज़र नहीं आने वाली हैं, तो रिप्लेसमेंट हो सकती है या फिर आपको इतनी जल्दी शो का सीज़न 2 नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोग की डिमांड तो बहुत ज़्यादा चल रही है कि शो का सीज़न 2 आना ही चाहिए, सो सीज़न 2 आ सकता है, इसके चांसेस है। जब शो ऑफर गया था तब भी इस बात को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी कि शो का सीज़न 2 आना चाहिए, लेकिन तब भी शो का सीज़न 2 देखने को नहीं मिला। तो इतनी जल्दी शो का सीज़न 2 तो नहीं देखने को मिलने वाला है। मेकर्स अगर प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शो इतना ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाए तब भी चलेगा, तो इन्हीं चेहरों पर ही शो की स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए, यही होनी चाहिए शो के अंदर, यानी सीजन 1 के स्टार कास्ट हो तभी सीज़न 2 कुछ कमाल कर पाएगा। तो सीज़न 2 इसी तरीके से आ सकता है। तो सीज़न 2 में यहाँ पर कौन से यहाँ पर चेहरे नज़र आएंगे? निहारिका चौकसी दोबारा शो के लिए जब नज़र आएंगी, फ्री होंगी, तभी शो का सीज़न 2 आ सकता है। सो आकाश आहूजा की बात करें, फिलहाल वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की ही जोड़ी देखने को मिलनी चाहिए साथ में। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। कमेंट करके एक्साइटमेंट आप लोग भी बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।